उत्तराखंड आगामी 9 नवंबर को अपने 24वें स्थापना दिवस का जश्न मनाने जा रहा है। इस 24 वर्षों में प्रदेश ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए विकास के नए आयाम छुए हैं, लेकिन इन सभी उपलब्धियों के बीच एक समस्या है जो अब भी राज्य के भविष्य पर सवाल या निशान लगा रही है। वह है उत्तराखंड के गाँवों से हो रहा पलायन। खाली होते गाँव और घटती आबादी वर्षों से थमने का नाम नहीं ले रही है, राज्य के विकास के साथ साथ चल रही एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने खड़ी है। क्या इन 24 सालों में इस संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है? आइए समझते हैं आखिर देवभूमि उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या क्यों बन रही है। राज्य में पलायन को रोकने के लिए पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। इस समस्या को रोकने के लिए आयोग ने कई सुझाव दिए थे। पिछले साल 2018 से लेकर 2022 तक के आंकड़ों के साथ पलायन आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा स्थायी पलायन हुआ है। वहीं देहरादून और उधम सिंह नगर में स्थायी पलायन की संख्या कम देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 1792 गोस्ट विलेज हैं। गांव खाली होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्त सुविधाएं और बेहतर जीवन स्तर की तलाश इसके प्रमुख कारण हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए लोकल 80 ने वरिष्ठ पत्रकार राकेश चंद्रा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते लोग पलायन कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के होम स्टे जैसे प्रयासों से कुछ हद तक पलायन के आंकड़ों में गिरावट देखी गई। सरकार जो काम करती है कर रही है, पहले भी किया था, अब भी कर रही है, लेकिन कंक्रीट जो है पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं उनके, उस तरीके से काम नहीं हो पाता है। अब जो बात पलायन की आती है, पलायन पहाड़ से इसलिए हो रहा है कि वहाँ जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जल, जंगल, जमीन, मतलब आपके लिए रहने के लिए एजुकेशन और हेल्थ, अब ये अगर वहाँ पहाड़ में आप अवेलेबल करा दोगे तो रुक जाएगा। अब एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो क्या करेगा आदमी, देहरादून आता है। इवन मैंने ये देखा है पहाड़ में, मैंने खुद इसी सब्जेक्ट में जो है रिसर्च की है, तो पहाड़ में दूसरे तरीके का पलायन है। अब जो क्या है, गाँव से लेके जो नज़दीक का जो शहर है जहाँ से राशन लेते थे पहले, वहाँ आकर लोग किराए पे या वैसे अपना जमीन लेके या वहाँ सेटल हो रहे हैं लोग, तो वो भी एक तरीके का पलायन ही है, है ना। तो ये चीजें तभी सॉर्ट आउट होंगे जब आप पहाड़ में बेसिक नीड्स को पूरा करोगे। और यही जो कॉन्सेप्ट है रिवर्स प्लान का भी यही है। अब लोग सेटल हो गए, दिल्ली में है, मुंबई में है, कहीं है, उनके पास अपना खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, तो 10 दिन 20 दिन या फिर वो किसी को गेस्ट को अरेंज करके अपने गाँव में या उस घर में लेके जा सकते हैं। तो ये चीजें जो है आ रही है, और सरकार ये तारीफ भी करनी चाहिए कि भाई अगर इस तरीके से भी अगर पलायन रुक सकता है या लोग गाँव की तरफ जा रहे हैं तो उसमें कतई गलत नहीं है। तो कम से कम लोग वहां जा तो रहे, उसकी वजह से फायदा क्या हो रहा है, जो हमारे गांव में जो बच्चा रह रहा है या जो लोग रह रहे हैं उनका स्तर भी तो सुधर रहा है, उनका मेंटल लेवल भी सुधर रहा है, उनको और भी टेक्निक्स मिल रही हैं। और हो सकता है वो लोग जो है वहाँ गांव में होम स्टे करा रहे हैं तो कल को जॉब अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए एक जो है ग्लोबलाइजेशन का भी एक रास्ता खुल रहा है, वो बाहर जा सकते हैं, उनको रास्ता मिलेगा, एक गाइड के तौर पर उनको लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार कर रही है, लेकिन गुंजाइश अभी बहुत है। देहरादून लोकल 18 से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।